पढ़ाई अच्छी हो रही है जनरल में। हाँ, वो स्ट्रिक्ट रखिए आप, वो तो नहीं स्ट्रिक्ट का स्ट्रिक्ट तो हमारे यहाँ अभी आप क्लासेस और आपके क्या किस तरह का पैटर्न है और क्या क्या आप लोग बच्चों पर क्या क्या काम कर रहे हैं? 97 में ये स्कूल रन किया था और हाई सेकेंडरी स्कूल है, मध्य प्रदेश राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्कूल है और हम प्रयास करते हैं कि कम शिक्षा कम पैसों में यहाँ शिक्षा दी जाए क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्गीय और गरीब तबका इस क्षेत्र में ज़्यादा है तो हमारी फीस भी नॉमिनल है। लगभग हम नर्सरी में 4000 रुपये से 12000 रुपये 12वीं तक बच्चों को पढ़ा देते हैं तो ये बहुत नॉमिनल फीसेस हैं। इसके अलावा कोई फीस बच्चों से लेते नहीं क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं और उसमें अच्छी सुविधा हम दे रहे हैं। कंप्यूटर लैब है, तीनों लेबोरेटरीज हैं हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की, और बढ़िया एटमॉस्फेयर यहाँ पर है, अच्छा भवन है तो जिससे कि हमारे पास आज लगभग 1700 बच्चे हैं और 70 का स्टाफ। स्मार्ट क्लासेस कुछ जो गरीब बच्चे हैं कमजोर बच्चों उनके लिए कुछ करते हैं? हाँ, स्मार्ट क्लासेस भी हमारे पास है, अवेलेबल है और उससे भी हम शिक्षा देते हैं। डायरेक्ट कॉटेज करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी के बच्चों को छोटी छोटी पोएम्स उसके माध्यम से हम बताते हैं। सीबीएसई पैटर्न नहीं है एमपी बोर्ड, अब तो खैर यहाँ पर सब एनसीईआरटी बुक्स हो गई, सीबीएसई और एनसीईआरटी बुक्स हैं लगभग सेम हो गया, इसलिए सीबीएसई और एमपी बोर्ड में कोई अंतर नहीं है लेकिन हमारी मान्यता है एमपी बोर्ड जी। और क्या बच्चों के लिए खास करते हैं जो उस तरह के कमज़ोर बच्चे रहते हैं? कमज़ोर बच्चों के लिए हम अलग से क्लासेस अरेंज करते हैं, उन बच्चों के लिए एक अदर टीचर हमने रख रहे हैं कि जिससे कि बच्चे को हम पूरे क्लास के समकक्ष ला सकें। उनको पहले अलग से मेहनत करते हैं, क्लास के समकक्ष लाते हैं, फिर उनके साथ कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे बैग वगैरह के बच्चों के लिए बहुत भारी रहता है और काफ़ी चीज़ें बैग के लिए क्या, हाँ बैग के लिए हमने क्या कोर्स डिवाइड कर रखे हैं कि मंडे को क्या पढ़ाएंगे तो तीन बुक से ही हम पढ़ाते हैं। अच्छा, उससे बच्चों को कोर्स हल्का हो जाता है। हाँ। पेरेंट्स को हमने एक सिलेबस बना, उतनी किताबें लानी पड़ती है, उतनी कापी लानी पड़ती है कि एक दिन में कम से कम तीन सब्जेक्ट छोटे बच्चों को पढ़ाएं तो जिससे कि कोर्स कम हो जाता है। तो उसको डिवाइडेशन कर दिया, 7 दिन में किस तरह से डिवाइड करें वो कोर्स। और स्कूल के बारे में आप बताएँ क्या आपकी योजनाएँ हैं भविष्य में और क्या आपका उद्देश्य है उसको चलाने का? भविष्य में यही योजना है कि हम यहाँ से अच्छे टापर से टापर बच्चे दें क्योंकि हमने पहले भी दिए हैं, IIT रैंक पे हमारे यहाँ के बच्चे आए हैं, ऑल इंडिया रैंक पे 32% हमारे यहाँ बच्चा रहा है और MP बोर्ड में भी हमने टापर दिए हैं। अभी हमारा प्रयास यही है कि इस तबके के बच्चों को हम MP बोर्ड और टापर बच्चे दें। भविष्य में और कुछ आगे भी स्कूल? अभी तो नहीं, अभी तो हम इसी को एस्टेब्लिश किए हैं, आगे देखेंगे यदि योजना बनी तो आगे।